नेक्स्ट थ्योरम है 10.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो टर्म 2 का तुम्हारा सिलेबस है, उसमें दो ही थ्योरम दी गई हैं और उसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी हम थ्योरम की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। पहले तो मैं समझाता हूँ थ्योरम क्या कहना चाह रही है। थ्योरम ये कहना चाह रही है, देखिए थ्योरम जो है ये कहना चाह रही है, एक ये वृत्त है, ठीक है, एक कोई बाहर हमें बिंदु दे रखा है पॉइंट, इससे ठीक है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है ये पी, इससे जो है हमने स्पर्श रेखा खींची, टेंजेंट खींचे सर्कल पर, एक ये टेंजेंट हो गया, इससे टच करके जाएगा ये, तो ये ए बी, ठीक है ये ए बिंदु है, बी बिंदु पर जो है टच कर रहा है, तो ये कहता है पी ए इज इक्वल टू पी बी, इन दोनों की जो लेंथ होती हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत क्वेश्चंस में जो है ये यूज होती है। ठीक है, ये थ्योरम कहती है, ये हमें प्रूफ करना होगा। वापस आते हैं किस तरह से प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हम लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, अभी मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पर मैं बनाऊंगा। वृत्त जिसका केंद्र ओ है उसकी और उसकी दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू एंड पी आर, सिद्ध करना है टू प्रूव पी क्यू एंड पी आर, ये एक एक्सटर्नल बिंदु में ले रहा हूँ यहाँ पर, ये बिंदु पी, पॉइंट जो है पी है, ठीक है, इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसमें जो है अभी हमने जो थ्योरम में 10.1 बात करी थी लास्ट वीडियो में ना, वो उसका भी इसमें यूज़ हो रहा है। देखिए कैसे यूज़ हो रहा है, ये पॉइंट हमने ले लिया, Q ले लो कोई दिक्कत नहीं है, Q ये ले लिया हमने P, ठीक है, अब इसका सेंटर जो है O है, ठीक है, अगर मैं इसको मिलाता हूँ, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन करी है वो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। जो थ्योरम 10.1 थी वो क्या कहती थी, जो भी टेंजेंट होगा और रेडियस, ये दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री इनका एंगल होगा, ठीक है, ये दो टेंजेंट हो गए और मैं पी और ओ को भी यहाँ पर मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना हमें कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन क्या करिए हमने, कंस्ट्रक्शन ये हम लिख सकते हैं हिंदी में रचना, ये दोनों के लिए है, हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। रचना करिए हमने जॉइन, जॉइन कर दिया ओ क्यू को, ओ पी को एंड ओ आर को, ना हिंदी वाले यहाँ पर लिख लें, मिलाइए ओ क्यू ओ पी और ओ आर को मिलाइए। ठीक है, उसके बाद जो प्रूफ करना होगा हमें, प्रूफ करना होगा, ठीक है, प्रूफ जो करना होगा हमें वो करना होगा पी क्यू पी आर, ये हम लिख चुके हैं, ठीक है, इसको मत लिखिए, तो प्रूफ क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया है, प्रूफ हमें यहाँ से करना होगा। अब जो हमें दिया गया है मुझसे लेकर चलेंगे, हमें जो दिया गया है ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर, ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू, है ना, क्योंकि ये जो है रेडियस है ये टेंजेंट, और ओ आ ये है हमारे पास ओ पी, पी क्यू आर है ना, सॉरी ओ आर, ओ आर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पर। ठीक है, ये क्योंकि फर्स्ट थ्योरम कहती है अगर सर्कल का जो रेडियस है और जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो यहाँ पर ट्रायंगल बने, देखिए एक ट्रायंगल ये बना पी क्यू ओ, एक ट्रायंगल बना ओ आर पी, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, है ना, ओ पी क्यू,
एंड ओ पी आर, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें त्रिभुज ओ पी क्यू और त्रिभुज ओ पी आर में, ठीक है। अब देखो इसमें हमें शो क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको जो है कॉन्ग्रेंट, ठीक है, सर्वांगसम इसको हम शो कर देंगे, तो उससे क्या होगा सीपीसीटी के थ्रू, ठीक है, सीपीसीटी के थ्रू त्रिभुज की जो है ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, ये कॉमन है, ये रेडियस बराबर होगी, है ना। सीपीसीटी के मतलब जो ट्रायंगल के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब क्या होंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखाएंगे क्या दिया गया है हमें, एंगल दिया गया है, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा ओ आर पी के, है ना। क्या है एंगल, ये दोनों 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद जो कॉमन दे रखी है हमें ओ पी, ओ पी क्या है हमारे पास कॉमन, कॉमन कॉमन भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट जो है उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है और दिया गया है हमें ओ आर, ये ओ क्यू और ओ आर क्या है, रेडियस है। ओ क्यू किसके बराबर है, ओ आर के, ओ क्यू ओ आर के बराबर, क्यों, त्रिज्या है ये, रेडियस होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से जो मिला है ये राइट एंगल मिल गया, ठीक है, ये आर राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूज ओ पी, इसके सामने वाला क्या होती है एच, हाइपोटेन्यूज ये साइड है, तो ये बना आर एच एस रूल, है ना, आर एच एस रूल, ठीक है। क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा सर्वांगसम, आर एच एस रूल के थ्रू जो है त्रिभुज जो हम लेकर चले थे ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू ये किसका निशान है, सर्वांगसम का, ये कॉन्ग्रेंट का, त्रिभुज ओ पी क्यू कॉन्ग्रेंट होगा त्रिभुज ओ पी आर के, ठीक है, किससे, आर एच एस रूल से। तो हम कह सकते हैं पी क्यू, ठीक है, ये जो हमें दिया गया पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के, पी क्यू बराबर होगा पी आर या आर पी, ठीक है, किससे, सी पी सी टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है हमें यहाँ पर जो है ये समाप्त होती है, इसको मैं ये प्रूफ करना था।